ज्ञानी हरप्रीत सिंह का यह कहना कि हर सिख खालिस्तानी चाहता है, उसने उस प्रोपेगंडा नू इको वार नत्थ पाई है और यह दसन की कोशिश की है कि खालिस्तानी ढाई टोटरू नहीं 2 करोड़ हैं। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की पोस्ट पर बैठा बंदा जदों एक गल कह रहा है तो उसकी अपनी एक बहुत वड्डी महत्ता होंदी है। उन्हें खालिस्तान दे विरुद्ध बोलन वालियां दे मूँह सीते हैं, मूँह बंद किए हैं। सब तो वड्डी गल है कि जदों अकाल तख्त की सीट पर बैठे इहो जी शख्सियत जदों खालिस्तान दे फेवर विच बयान देंदे ने तां ओ 36 साल दे संघर्ष उत्ते अपनी एक मोर भी लाते हैं। उही सिख इस तो नाराज ने, उही सिख बोल रहे ने जेड़े हिंदुस्तान दे सिस्टम दे विच बड़े बड़े पदवियां ते बैठ चुके ने, मंत्री पद लै चुके ने, उन्हां नूं लगता है कि साडा जिहड़ा सरकारी ऐशो आराम है वह साढ़े तो खुशद है। सो ये एक तरीके का जिहड़ा बयान है ये 36 साल दी दे सिख संघर्ष के उत्ते मोहर है। चलो देर आए दुरुस्त आए, 36 साल लगे पर गल कही तो गई, असी जिहड़ी गल कही गई है उसनू फड़िए, ना कि उहदे पिछे जिहड़ियां गुंझलां ने उहनू फरोलना शुरू कर दी। अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खालिस्तान की मांग नू लैके जिस तरह के बयान दिए ने, तुसीं उहनू किदां देखदे? ज्ञानी हरप्रीत सिंह अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार ने, श्रोमणी कमेटी वालों अपॉइंट किए हुए, उन्हां दा खालिस्तान प्रति जो बयान आया है कि हर सिख खालिस्तान चाहता है, जे सरकार देगी तो असी जरूर लवांगे, अपने आप दे विच महत्वपूर्ण है। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की पोस्ट पर बैठा बंदा जदों एक गल कह रहा है तो उसकी अपनी एक बहुत वड्डी महत्ता होंदी है। देखो इंडियन गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस अते बहुत सारे जेड़े विरोधी धिर है वो अक्सर ये प्रोपेगंडा करते ने कि खालिस्तानी ढाई टोटरू ने, मुट्ठी भर ने। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का यह कहना कि हर सिख खालिस्तानी चाहता है, उसने उस प्रोपेगंडा नू इको वार नत्थ पाई है और यह दसन की कोशिश की है कि खालिस्तानी ढाई टोटरू नहीं 2 करोड़ हैं। उन्हें खालिस्तान दे विरुद्ध बोलन वालियां दे मूँह सीते हैं, मूँह बंद किए हैं। नंबर वन, हिंदुस्तान दी सरकार जेड़ी सिखां दी आज़ादी दी एस्पीरेशन, जेड़ी उम्मीद इच्छा है, जेड़ी रीज है, डिज़ायर है, उसनू मन्नन तो इनकारी है। उसने हिंदुस्तान नू भी एक मैसेज दिता है कि तुसी बेशक अखां मीटियां ने पर हर सिख अपने मन अंदर ये राज दी भावना लैके बैठा है। जदों दा सिख कौम दा राज खुसिया उदों दा सिख अपना राज मुड़ हासिल करन लई यतनशील हन। अजोके समय दे विच दरबार साहब दे हमले तो बाद सिखां ने एक जंग लड़ी है, युद्ध लड़िया और संघर्ष कीता है और 36 साल जिन्ना सिंह सिंघनियां ने खून वगाया, पसीना डोलिया, दोनों खून अते पसीना डोलन वाले हर सिंह सिंघनी नू मानता दिती है, उन्हां दी एक मॉरल विक्ट्री है ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा ये बयान। और सब तो वड्डी गल है कि जदों अकाल तख्त की सीट पर बैठे इहो जी शख्सियत जदों खालिस्तान दे फेवर विच बयान देंदे ने तां ओ 36 साल दे संघर्ष उत्ते अपनी एक मोर भी लांदे ने। सो ये खालिस्तानिया की एक मॉरल विक्ट्री है। उन्होंने ये गल कही है ना कि नारेबाजी करनी भी गलत नहीं है। नारेबाजी करनी कभी भी गलत नहीं होंदी। असी कहने कि ज्ञानी जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते श्रोमणी कमेटी के जेड़े प्रधान कोल बैठे से जिन्हां की हाजिरी में बोले ने, देर आए दुरुस्त आए, दोनों ने जिस तरीके दे नाल अपनी अपनी इस कौम की इस मंग
ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਭੜਥੂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸਪਰੇਸੀ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ $20 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ $20 ਅਤੇ ਆਪੱਤੀ ਉਠਾਈ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 6 June 2020 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਲਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ
कॉन्सपरेसी एंगल ना देख के छुट्याना भी नहीं चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अकाली दल बादल दी जेड़ी बदनीति है जेड़ियां सिख इंस्टीट्यूशनस नू उन्हें रोलिया है वो गल भी साढ़े ध्यान में होनी चाहिए है, पर किसी व्यक्ति दे इंडिपेंडेंट किरदार नू जां उहदे हुण तक दे सारे बयानों नू भी भांपना चाहिए। एक गल बड़ी क्लीयर है कि जिस दिन दे ज्ञानी हरप्रीत सिंह बने ने उन्होंने बड़े छोटे छोटे बेबी स्टैप्स लए ने, बेबी स्टैप्स का मतलब वो बड़े सहजे हौले हौले चल रहे हैं, तो उन्होंने एक मंतव बड़ी क्लीयर है कि मॉडरेट्स ने तो उन्होंने जथेदार बनाया है, पर वो हार्डलाइनरस जेड़े जेड़े सुहिरद पंथक धिरां ने या शख्सियतां ने उन्होंने भी अपने वल खिंचना चाहते हैं, तो वो पिछले 6 महीने तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो खालिस्तानी धिरां नूं पंथक धिरां नूं किसी तरीके अपने नाल जोड़ सकन, तो वो उन्हां दी जिहड़ी कोशिश है मैं समझदा कि ये बयान भी उस कोशिश का हिस्सा है। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्या हुंदा तां ही निकलता, बेशक वो उन्हां नूं पुछिया तां ही निकलिया, लेकिन इहदे बावजूद उन्हां दे अंदर सी तां निकलिया। उन्होंने 6 जून नूं अकाल तख्त साहिब विखे एक गल करके एक 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 राइट मौके एक राइट गल करन दी सोच सोची है, उन्हां नूं मौका दिता गया जां उन्हां ने मौका लिया, ये एक सकेंडरी गल है। कुछ राजनीतिक लोग उन्हां दा बड़ा विरोध करते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ आगू, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन्हां नूं तुसीं कितना विरोधता होनी सुभाविक सी। सिख अदारियां वालों भी विरोधता हो रही है, सिख मिनिस्टर्स वालों भी विरोधता हो रही है, पर देखो ये सारे किरदार दे सिख नहीं है, ये सिर्फ इन्हां दी लॉयल्टी है वो कितने होर बजी हुई है, कितने होर ये जुड़े हुए ने। शक होना एक अलग गल है, शक इस करके है क्योंकि अकाली दल बादल दा किरदार शकी है, क्योंकि अपॉइंट अकाली दल बादल करता है, इस करके शक होना सुभाविक सी। पर मैं समझदा कि अगर कोई व्यक्ति दयानतदारी दे नाल अगे आउंदा तो उसनों मौका भी दिता जाना चाहिए, अलर्ट रहिंदे होए सावधान रहिंदे होए। देखो संजय नैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले भी यही इसे तर्ज दे उत्ते बहुत वार कह चुके ने कि मैनू पुछदे ने, संजय नैल सिंह ने बहुत बार ये गल कही है, मैं संजय नैल सिंह नूं कोट कर रहा कि मैनू पुछदे ने कि तुसी खालिस्तान बारे दसो, मैं कहना चाहुंदा कि ना मैं हमायती हाँ ना मैं विरोधी हाँ, मंगदा मैं है नहीं, जे देंगे तो असी छड्डना नहीं, जे इस बार केंद्र ने सानू खालिस्तान दिता तो असी लै जरूर लैना है, 47 वाली गलती ऐतकी नहीं करनी। ये स्टेटमेंट या मिलती जुलती स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बारी कही है। भाई अमरीक सिंह किसी ने कहा कि भाई अमरीक सिंह खालिस्तान दे केस तहत पकड़ रहे हैं, तो कहते जे अमरीक सिंह उत्ते खालिस्तान का केस पा के 1 साल अंदर रख लेंगे ने तो होर चाहिए की है, जेड़ा खालिस्तान देर नाल बनता सी वो छेती बन जाएगा। सो उन्हां दे ये बयान बहुत वार सुनन नूं मिले ने, पढ़न नूं मिले ने, बट ठीक है वो खालिस्तान लई वर्क भी कर रहे सी, संघर्ष भी कर रहे सी, यतनशील भी सी, उन्होंने अपनी शहादत भी दिती अपने साथियों के नाल। पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह अकाल तख्त के जथेदार की सेवा निभा रहे हैं, इन्हों का संकेतक रूप दे विच गल कहना बहुत वड्डी गल है। देखो किसी भी तरीके दे नाल उन्होंने गल कही है, गल की इंपोर्टेंस देखो कि अज तो बाद हर सिख नौजवान कोल एक गल है कहन नूं दुनिया नूं, जिथे कोई पुलिस वाला कोई सरकार कोई मीडिया उन्हूं कहिंदा है कि तुसी खालिस्तानी जिहड़े हो वो मुट्ठी भरो, वह कहेगा जथेदार का बयान पढ़, हर सिख खालिस्तान चाहुंदा है, असी 2.5 टोटरू नहीं हाँ असी 2 करोड़ हाँ। सो ये अपने आप दे विच बहुत वड्डी गल है, हिंदुस्तान नूं बहुत वड्डा मैसेज है। मीडिया का एक वड्डा हिस्सा भी विरोध तो कर, हर एक दे अपने अपने इंट्रस्ट होंदे ने, हित होंदे ने। एक बार हर एक नूं सब तो वड्डी गल है कि किसी कोलों एक गल हजम नहीं हो रही कि ज्ञानी जी ने अचानक एक गल कह किदां दित्ती, एक गल कह किदां दित्ती। मैं समझदा 6 जून नूं अकाल तख्त साहिब ते एक गल कहन दा एक ढुकवां मौका सी,
असी तो कहने उन्हां नूं 36 साल क्यों लग गए गल कहन लई। जथेदार ज्ञानी जी तो चलो एक साल पहला आए ने, जिहड़े पहला भी जथेदार आए ने ये अकाल तख्त नूं 36 साल पहला कह देनी चाहीदी सी। चलो देर आए दुरुस्त आए, 36 साल लगे पर गल कही तो गई। असी जिहड़ी गल कही गई है उसनू फड़ीए, ना कि वो पिछे जिहड़ियां गुंझलां ने उहनू फरोलना शुरू कर दईए। गुरपाल जी, भारत सरकार ने गुरद्वारों में प्रसाद वंडन ते लंगर वंडन ते जिहड़ा हैगा रोक लगाई गई है। गुरुद्वारे नहीं बल्कि सारे धार्मिक स्थानों को कहा गया कि तुसी ना तो श्रद्धालु प्रसाद दे सकते हो, उन्हां नूं फ्री फूड यानी कि लंगर दे सकते हो। मैं ये भी पढ़िया कि जड़ियां नवीं होम मिनिस्ट्री दी गाइडलाइनस आईया ने, जो धार्मिक स्थान खोले गए ने तो उन्होंने कहा तुसी प्रसाद नहीं वंड सकते, तुसी लंगर नहीं बना सकते। तो एक NDTV की न्यूज़ सी कि ईवन सरोवर दे विच इशनान करन दी भी मनाई है। और ये तिन्ने गल्लां दी जड़ी उन्होंने कंडीशनस लाइया ने, मंदभागी तो है नहीं, बड़िया दुखदाई कंडीशनस ने। बड़ा अफसोस होया ये गल्लां भारत सरकार दे कोलों सुन के। उस तो वध अफसोस ये होया कि श्रोमणी कमेटी ने प्रसाद बनाउण दी इजाजत लैण लई चिट्ठी पाती है केंद्र सरकार नूं। असल विच जे तुसी इहदे पिछोकड़ वल देखो ना, ये हुण क्यों भारत सरकार ने गल कही, अज तक तो उन्हां वास्ते धार्मिक स्थान बंद सी जबकि साडे धार्मिक स्थान खुले सी। उन्हां दी नज़र विच बंद सी पर साडे तो खुले सी, साडे तो प्रसाद भी वंडिया जा रहा सी, प्रसाद वंडिया भी जा रहा सी, ते लंगर भी चल रहे सी, ते सरोवर च इशनान भी हो रहा सी। पर क्योंकि भारत सरकार दे नोटिफिकेशन राही धार्मिक स्थान बंद ने, उन्होंने ये गल पहला नहीं कही, अज उन्होंने धार्मिक स्थान खोलन दे नाल ये गल्लां कहीयां। मैनू नहीं पता कि दूसरे धर्मां नूं इस ते उतराज है नहीं है, जां उन्हां नूं इहदियां इहदे विच की औकड़ां सहणियां पैणगियां, पर सानूं सख्त इतराज़ है। सानू भारत सरकार दे ऑर्डीनेंस ते भी सख्त इतराज़ है, ते सानू इस गल दा भी दुख है ते अफसोस है कि श्रोमणी कमेटी उन्हां कोलों परमिशन लैण लई चिट्ठी क्यों पा रही है। सानू बड़ी स्पष्ट तौर ते इह गल श्रोमणी कमेटी नूं कह देनी चाहीदी है, मिस्टर मोदी सॉरी, साडी मर्यादा दे विच लंगर प्रसाद ते सरोवर पार्ट एंड पार्सल ने, हिस्सा ने, अनिखड़वा अंग ने, ते ये मर्यादा उस दिन तो चालू है जिस दिन का तुसी लॉकडाउन का ऑर्डर किया होया। ते असी पहला भी लंगर प्रसाद ते सरोवर दे विच सिंह इशनान करते संगत इशनान कर दिया या ये अगों भी कर दिया रहनगियां। सानू तुहाडियां गाइडलाइनस मंजूर नहीं है, तुसी इस नूं वापस करो, तुसी किसे होर ते लागू करो, तुसी इस नूं रिव्यू करो, ये तुहाडी मर्जी है, पर सॉरी असी इस नूं लागू नहीं कर सकते क्योंकि साडी मर्यादा का हिस्सा हन। सो ये गल बड़ी सख्त तरीके दे नाल भारत नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहनी चाहीदी है। बड़ी हासोहीनी दीआं गल्लां कर रहे ने, धार्मिक स्थान खोल रहे ने ते जिहड़ियां उन्हां दीआं मर्यादा दे विच जिहड़ा उन्हां दा मर्यादा दे विच जो गल्लां आउंदियां ने उहदे ते पाबंदी ला रहे ने। ये किदां हो सकदा है कि धार्मिक स्थान खुले ने ते प्रसाद ना होवे, सरोवर च इशनान ना होवे ते तुसी लंगर ना होण? उस तरह ते सारे देश दे विच लंगर थां थां वरताए गए और प्रधानमंत्री तो लै के हर मिनिस्टर ने धन्नवाद किया सिख कौम का, उदों नहीं इन्हां नूं दिखिया? ये एक आई डोंट नो दूसरे धर्म इस बारे किदां रिएक्ट करनगे, पर श्रोमणी कमेटी नूं बहुत सख्त तरीके दे नाल रिएक्ट करना चाहिए, कह देना चाहिए सानू तुहाडियां जिहड़ियां बेफजूल और बेतुकियां कंडीशनस ने मंजूर नहीं है। और जे इहदे बावजूद सरकार कोई कार्रवाई करती है साडे गुरधामां दे खिलाफ ते कौम नूं इहदे बारे सुचेत किया जाए और फिर कौम देखेगी कि किस तरीके दे नाल इस दे नाल नजिठना है, क्योंकि ये गल्लां कदे भी प्रवान नहीं हो सकदियां ते ना ही प्रसाद वंडन लई जां धार्मिक स्थानां दे विच इशनान लई जां लंगर लई परमिशन लैनी चाहीदी है। अज जे तुसी परमिशन लैण दीआं गल्लां करदे हो, ये भी अपने आप दे विच अगां दे विच एक गलत किरत नूं जन्म देणगीआं।